अच्छा, इंस्टीट्यूट की सोल्यूशन कैसे करें, कैसे एक इंस्टीट्यूट को सॉल्व करें? जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम एंड क्लीनली रीड आउट करें स्टेटमेंट को, और क्वेश्चन पेपर में सबका की डिफरेंट होता है, तो सम टाइम ऐसे होते हैं कि पेपर आसान होता है लेकिन जो डिफिकल्ट इंस्टीट्यूट होते हैं वो बंदे को स्टार्ट रह जाते हैं। सो अगर एक इंस्टीट्यूट सिंपल इंस्टीट्यूट है उसको सिंपल कैलकुलेशन के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसी टाइम आप सॉल्व करें। अगर इंस्टीट्यूट सिंपल नहीं है उसके लिए कुछ कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है तो आप उस इंस्टीट्यूट को लास्ट के लिए चुन लें, क्योंकि स्टार्ट में बनने में क्लियर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है, फिर लास्ट में बंदा एडप्ट हो जाता है, फिर वो डिफिकल्ट इंस्टीट्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो जिस इंस्टीट्यूट को 2-3 मिनट की सोल्यूशन रिक्वायर है वो इंस्टीट्यूट आप लास्ट के लिए छोड़ लें एटलीस्ट। और हाँ, क्वेश्चन पेपर पे आप लोग उस इंस्टीट्यूट को मार्क करें, ऐसा ना हो कि फिर आपको बता रहा हूँ कि कौन सा इंस्टीट्यूट मैंने किया है और कौन सा नहीं है, आंसर शीट में ढूंढना मुश्किल होता है। तो आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क करें क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप लोगों का वहाँ पे मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर शीट जाता है MR मशीन में। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैंने क्वेश्चन पेपर पे राइटिंग की और इसके मार्क्स लग जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन पेपर पे आप लोग टिक लगा लें, पेंसिल से लगाते और पेन से लगाते हो जिस चीज़ पे, तो आप मार्क करें कि मैंने ये इंस्टीट्यूट छोड़ दिया ताकि लास्ट में आपको आसानी हो फाइंड आउट करने में, ऐसा ना हो कि पर आपको पता भी ना हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ा है। तो इंस्टीट्यूट अगर सिंपल नहीं है तो आप लोग लास्ट के लिए छोड़ दें। अच्छा, इंस्टीट्यूट थोड़ा मॉडरेट लेवल का है तो फिर क्या करें, समझ भी नहीं आती इंस्टीट्यूट का या थोड़ा थोड़ा समझ आता है तो आप लोग कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन करें। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या होता है? कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में जो बिल्कुल रॉन्ग वन हो, जो 110% रॉन्ग हो, जो बिल्कुल रॉन्ग हो उसको आप एक्सक्लूड करें, दूसरा भी जो मतलब 80% रॉन्ग हो उसको भी एक्सक्लूड करें। तो इस तरह कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन से जो रॉन्ग है आप उसको एक्सक्लूड करोगे और जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो बाकी रह जाएगा। तो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के जरिए से भी आप कुछ हद तक इंस्टीट्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ हद तक आप इंस्टीट्यूट को एक्यूरेट कर सकते हैं। अच्छा, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन से भी ना हुआ तो फिर क्या करें, फिर आप लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा मैच कर रहा है स्टेटमेंट के साथ, जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है उसको आप सेलेक्ट करें। अगर कंपेयर और कंट्रास्ट से भी नहीं हुआ, स्टेटमेंट रीड करने से भी नहीं हुआ, तो एक और बात देता हूँ कि 50-60% जो आंसर होता है वो स्टेटमेंट में ही पड़ा होता है, तो आप लोग स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। अगर स्टेटमेंट की समझ आपको आ गई ना तो फिर एमसीक्यू की समझ बहुत आसानी से आ जाएगी, तो स्टेटमेंट को सही से पढ़ें, फर्स्ट और जल्दी में स्टेटमेंट को ना पढ़े, इतना टाइम होता है, उन्होंने एमसीक्यू दिए होते हैं तो उसी टाइम के लिए दिए होते हैं, वो 180 आवर में कम्प्लीटली हो सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें और आप लोग के साथ उस लेवल का नॉलेज हो, तो आप लोग जल्दी ना करें कि इसमें खैर तो इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ लास्ट में हो जाएगा, घर में हो जाएगा, लेकिन रहेगा कुछ भी नहीं, टाइम मैनेजमेंट का स्किल मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप लोग का टाइम मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट से भी नहीं हुआ, कंप्यूटर एक्सक्लूजन से भी नहीं हुआ, स्टेटमेंट को भी क्लियर रेट कर दिया, कंपेरिजन नहीं कर दिया, किसी चीज़ से भी नहीं हुआ, तो फिर आप लोगों का जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना, जो सबकॉन्शियस, आप लोगों का सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड करेगा, जिस टाइम सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड करें जी वाला ऑप्शन मुझे ठीक लगता है तो उसी ऑप्शन को मार कर, अब मुझे पता नहीं क्या मेरे सबकॉन्शियस कैसा है लेकिन अगर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है तो सबकॉन्शियस को जवाब दे दे और उस ऑप्शन को टिक लगा दे। अगर सबकॉन्शियस ने भी जवाब नहीं दिया तो फिर क्या करें, फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे साथ रहता है वो है कुत्ते का, कुत्ते का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, कुत्ते के लिए लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह करते हैं, सब ये हुआ ये हुआ, ये निकला ये निकला, अच्छा जिसमें निकला जाता है तो उसको सेलेक्ट कर देते हैं कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, या आंखें बंद कर देते हैं, कहते हैं कि जिस पे उंगली रख ली वो ठीक लग जाएगा, यार इस तरह नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट ही पकड़ लेंगे और उसको छोड़ लेंगे, जो करेक्ट है ऑप्शन पे जाएगा उसी को ठीक करेंगे, या कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर या कलमा पढ़ते हैं और आंखें बंद करते हैं और उंगली करके तो जिस ऑप्शन पे आ गए वो ऑप्शन ठीक है, यार इस तरह नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो रिबन साइकिल का जो गेम से पाली वो या तो ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर देता है ज्यादा या ऑप्शन सी को, तो अगर और चीज़ें पे ना हुआ तो रिबन साइकिल पे जा रहे या बी ऑप्शन को सेलेक्ट करे या सी ऑप्शन में, बी और सी में जो ग्यारह मैच करे उसको सेलेक्ट करे, तो रिबन साइकिल या बी के लिए थे या सी के लिए, तो ऐसे भी कुछ होने के चांसेस है।